लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है, वहीं कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब में कांग्रेस को जहां स्टार प्रचारकों की कमी खल रही है, वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा चुनावी समर से ही गायब हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को लुधियाना से मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर से प्रत्याशी हैं। ऐसे में दोनों अपने चुनावी क्षेत्र में फंसे हैं। दूसरी ओर बाजवा के सक्रिय न होने से कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है। राजा वंडिंग को जब लुधियाना से प्रत्याशी बनाया गया था तो उस वक्त बाजवा ने कहा था कि मैं लुधियाना में मकान लेकर डटूंगा और रवनीत बिट्टू को हराकर लौटूंगा। दरअसल बिट्टू के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने से कांग्रेस के कई नेता बहुत नाराज हैं, इसलिए बाजवा ने ऐसा बयान दिया था। अब सच्चाई ये है कि उक्त पत्रकार वार्ता के बाद बाजवा लुधियाना में आए ही नहीं। यही हाल अन्य लोकसभा क्षेत्रों का है जहां बाजवा की उपस्थिति काफ़ी कम है। उस वक्त बाजवा ने कहा था कि बिट्टू ने पार्टी के साथ धोखा किया है, जिस घमंड से वो बातें कर रहे हैं मैं यही डेरा डालूंगा और उन्हें हरा कर दिखाऊंगा। हालांकि उसके बाद से बाजवा लुधियाना में प्रचार के दौरान नजर नहीं आए, जबकि उन्होंने मतदान तक यही रहने का दावा किया था। पिछले चुनाव में पंजाब में सबसे लोकप्रिय प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बार गायब हैं, जिसकी कमी कांग्रेस को खल रही है। अब उसके पास कांग्रेस के बाहरी स्टार प्रचारकों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ हद तक मतदाताओं को लुभाने में कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन उनके अभी तक पंजाब में दौरे नाम मात्र ही हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा, कांग्रेस अध्यक्ष के एडमिन गुरदीप सप्पल, पंजाब की प्रचार टीम के सदस्य गुरिंदर सिंह ढिल्लो जैसे नेता प्रचार करने के लिए राज्य में पहुंचे हैं, लेकिन उनका लोगों में खास आधार न होने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि वंडिंग और चन्नी जैसे नेता अन्य लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के बजाय अपनी सीट पर ही जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस में मायूस नेताओं की चुप्पी साधने का नुकसान भी हो रहा है। हालात ये है कि प्रत्याशी के परिवार वाले भी प्रचार के लिए दिन रात एक कर रहे हैं।